हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेरठ की स्थिति। दोस्तों देखिए, मेरठ के अंदर रैपिड रेल का कितना बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने काम तो किया है। ये है मेरठ की स्थिति। ये जो है हमारा NH 58 है, लेकिन थोड़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ सकती है अभी, इसीलिए हम आपकी आज एक छोटा सा ब्लॉगिंग तैयार कर रहे हैं कि दिखाते हैं मेरठ की स्थिति। थोड़ी सी दिक्कत लोगों को होगी आने जाने में, लेकिन आप देख सकते हैं सारे में ये भारत की प्रथम रीजनल रेल लिखा हुआ, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं। ये मेरठ से लेकर दिल्ली तक की जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहां तक चारों तरफ मतलब रोड पर तरीके का अतिक्रमण तो हो ही रहा है फिलहाल की डेट में। ये लोगों को दिक्कत भी हो रही है, पर लेकिन ये दिक्कत कुछ समय की है। कुछ समय बाद ये ट्रैफिक है ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों का जो आना जाना है, जो लोग आज बेचारे बाइकों से बस से परेशान हो रहे हैं सारे, ये बाइकों बस की जगह जो है तो ये आना जाना ट्रेन से शुरू कर देंगे। तो ट्रैफिक भी कम होगा, लोगों को सुविधा भी होगी, और सस्ते में आपको जो है ट्रेवलिंग है खत्म हो जाएगी। जो आज आप जहाँ 100 रुपये का तेल फूट के अपनी मंजिल पहुँच रहे हैं, वहाँ 10 रुपये पहुँचेंगे, 10 से 15 रुपये में ट्रेन का टिकट लेकर मेट्रो का पहुँचेगा आराम से। तो काफ़ी अच्छा है ये, और बाकी आप देख रहे हैं आपके सामने है इस तरीके से काम चल रहा है दोस्तों। और मैं आपको दिखा रहा हूँ NH 58 है जो जारी है। तो अभी हम जो है कैंट एरिया से निकले हैं, कैंट एरिया से निकलने के बाद NH 58 पे चढ़े हैं। हमें इधर काफी दिनों बाद आना हुआ हमारा, हमने फिर अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक वीडियो शूट कर लेते हैं। बस दोस्तों ने आपके लिए वीडियो शूट किया छोटा सा, वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में दोस्तों बताएं। मुझे लगता है ये जो बेगम ब्रिज से लेके बेगम ब्रिज के पास गांधी बाग है, वहाँ से लेके अभी मोदी ब्रिज तक ही काम चल रहा है, लेकिन यहाँ तक अभी जो है कोई खड़े नहीं हुए हैं दोस्तों। अभी ये लोहे की पैदल लगा के ये भी सड़क का घेराव तो मैंने कर लिया है, इस साइड भी है देखिए इधर भी है ये घेराव, पर लेकिन इधर पिलर खड़े नहीं हुए हैं, लेकिन इधर से यहाँ साइड है। यहाँ दोस्तों उन्होंने रोड का पार्टीशन कर रखा है, बाकी यहाँ भी आने वाले चंद दिनों के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ रोड बीच में टूटी हुई है, तो शायद यहाँ काम शुरू हुआ था फिर यह कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ सड़क का घेरा यहाँ कर चुके हैं ये। बाकी काफी दूरी तक कोई प्लेट नहीं है, यहाँ काफी दूरी बाद आगे लोकल खाते चमक रहे हैं। उसका मतलब ये है यहाँ रोड टूटी थी, उसके बाद यहाँ कैंसिल होके इस साइड काम शुरू किया उन्होंने ये। इसके बाद देखिए यहाँ से फिर पिलर की जो है काउंटिंग शुरू हो गई है, आपके सामने पिलर की काउंटिंग है, ये 2-3 पिलर खड़े हुए हैं और आगे क्रेन वगैरह दिख जाएगी। आपकी लोकल लोगों की ट्रेन देखिए पता चल गया हमारा प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम आपके सामने हैं। देखिए ये यहाँ पे मिट्टी निकली हुई है पिलर खड़ा करने के लिए। दोस्तों अचंभित बात ये है, जब पिलर बनता है इसका रेल का मेट्रो पर ये ऊपर रेल चलेगी जो ब्रिज बनता है, इस पिलर की मिट्टी बाहर नहीं निकालती, इस पिलर की मिट्टी को नीचे ही मशीनों को दोबारा ठोक दिया जाता है, अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है, जिससे पिलर ना बैठे। इतनी पावरफुल मशीन होती है ये। देखिए सामने क्रेन है, जगह जगह जाम लग रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि कुछ दिन की परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन उस परेशानी के बाद आपको जो सफर है बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा सुहाना हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है मेट्रो आपके मेरठ में आ जाएगी, और दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है 1 घंटे में आप तय कर पाएंगे, जैसा कि मोदी सरकार ने वादा किया है। और देखिए मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा। ओहो देखिए एक्सीडेंट कार जा रही है, होंडा WRV, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, शायद गाड़ी पता नहीं एक्सीडेंट है जली हुई है, क्योंकि गाड़ी के अंदर की स्थिति बहुत खराब है और इसे क्रेन खींच के ले जा रही है। चलो मतलब यही प्रार्थना करता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हुई हो, पर स्थिति गाड़ी की काफी खराब लग रही है मुझे। चलो ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको पिलर के बाद में, ये देखिए ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे, देखिए दोस्तों कैसे अभी हमारा एक्सीडेंट होने से बचा हमारे भाई साहब, पता नहीं कहाँ ध्यान है देख के चला रहे थे। दोस्तों यहाँ इन्होंने ब्रिज बनाने शुरू कर दिए, यहाँ देखिए ब्रिज का काम जो है इन्होंने रखना शुरू कर दिया है। ये है और एक यार मशीन है, ये देखिए ये मशीन रखी हुई है यहाँ पे, ये क्रेन है इतनी बड़ी जो ऊपर सामान चढ़ाती है। तो दोस्तों चलिए आगे, काफी जाम है इस ब्लॉग में इतना ही। दोस्तों किसी तरीके की और जानकारी के लिए रैपिड रेल से मेरठ किसी को आना हो उसके रास्ता पूछने के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका जनरल नॉलेज बढ़ जाए, प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें यार। थैंक यू।